अब तक की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि अगले कुछ घंटे में धरती से टकराएगा चीनी रॉकेट का मलबा, जाने किस देश पर मंडरा रहा है खतरा। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए चीनी रॉकेट का मलबा अगले कुछ घंटों में धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर सकता है। एरोस्पेस की ओर से की गई भविष्यवाणी के मुताबिक रविवार को शाम 4 बजे के आसपास ये मलबा धरती से टकरा सकता है। शुक्रवार शाम को अमेरिका में किए गए एक ट्वीट के माध्यम से एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने जानकारी दी। री एंट्री एंड डेब्रिस स्टडीज द्वारा लॉग मार्च 5B रॉकेट बॉडी के पुनः प्रवेश के लिए की गई भविष्यवाणी के मुताबिक ये मलबा रविवार शाम को 4 बजे के आसपास धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए चीन के सबसे बड़े रॉकेट के अवशेषों के अगले कुछ घंटों में धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने की उम्मीद। अमेरिका के वित्त पोषित अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रॉकेट के अवशेषों को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही दोबारा जला दिया जाएगा और इससे किसी तरह का नुकसान किसी को नहीं होगा।